भारत विकास परिषद द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, 46 लोगों को मिलेगी नई रोशनी। नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर में 155 मरीजों की जांच, 46 लोगों को मिलेगी नई रोशनी। गुरुवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में सदगुरु सेवा संघ आनंदपुर के सहयोग से नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 155 रोगियों की जांच की गई तथा जिसमें से 46 रोगियों को IOL मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित करके उन्हें नेत्र ऑपरेशन के लिए आनंदपुर भिजवाया गया। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक भवानी मंडी के सौजन्य से आयोजित नेत्र शिविर का शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर जेके अरोड़ा, उपाध्यक्ष कैलाश जैन, संचालक अभय जैन, डॉक्टर के जुइया, सीताराम नवाल, सीए प्रकाश गुप्ता, परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव कमल सुरेखा, बैंक के महाप्रबंधक महेश चंद्र शर्मा, ट्रस्ट के डॉक्टर अनीश शुक्ला एवं परिषद शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। शिविर में परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी, संरक्षक गोविंद भराड़िया, सचिव ओम गुप्ता, हेमराज शर्मा, प्रहलाद सिंह, दिनेश गुप्ता, जितेंद्र गर्ग, प्रदीप शर्मा, उमाशंकर पोरवाल, राजेश खंडेलवाल, दामोदर दयाल शुक्ला, श्याम पोरवाल, राजेंद्र गोयल, कमलेश दलाल आदि का सहयोग रहा। नेत्र शिविर के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर जेके अरोड़ा ने कहा कि भारत विकास परिषद 32 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही है। वहीं बैंक उपाध्यक्ष कैलाश जैन ने कहा कि नेत्रों का दान सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। नेत्रदान के विषय में परिषद ने भवानी मंडी के नाम को पूरे देश में लोकप्रिय किया है। नेत्र चिकित्सा शिविर प्रभारी एवं झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक महाप्रबंधक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भारत विकास परिषद पिछले 12 वर्षों से सदगुरु सेवा संघ संस्थान आनंदपुर के सहयोग से भवानी मंडी में प्रतिमाह निःशुल्क मोतियाबिंद चिकित्सा शिविर का आयोजन करती है एवं यह इस श्रृंखला का 116वां कैंप आयोजित हुआ है, जो पूरे जिले में किसी संस्था के द्वारा सबसे बड़ा आयोजन है। अभी तक इन शिविर के माध्यम से 29,216 मरीजों की जांच करके 9,166 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया जा चुका है। महेश चंद शर्मा के अनुसार नागरिक बैंक सामाजिक सरोकार के सभी कार्यों में लगातार अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता आया है एवं पिछले 8 वर्षों से बैंक के द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। शिविर के साथ साथ बैंक द्वारा जल मंदिर संचालन, वृक्षारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंडे स्थापित किए गए हैं। साथ ही प्रतिवर्ष बैंक के द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क नोटबुक्स का वितरण किया जाता है। बैंक द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में सेट का निर्माण भी किया गया है। सचिव ओम गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष हेमराज शर्मा के अनुसार परिषद का अगला मार्च महीने का शिविर 31 मार्च रविवार को आयोजित होगा। कार्यक्रम का संचालन कमलेश दलाल के द्वारा किया जाएगा। भवानी मंडी, BPA न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट।